बबलू, आपके पेट में कभी दर्द हुआ? जी बाजी, कभी कभी मेरे पेट में दर्द होता है, पर मैं तो साफ सुथरे माहौल में रहता हूँ, फिर मेरे पेट में क्यों दर्द होता है? पेट के दर्द की वजह कुछ और भी है। वो क्या? आओ देखते हैं। मनी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आओ फुटबॉल खेलें। यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यार इसके तो रोज पेट में दर्द होता है। चलो ये बड़ा भाने बाल है। अरे मानी, आपको क्या हुआ? सर, मानी के पेट में सुबह से दर्द हो रहा है। बच्चों, आपको पता है पेट में दर्द क्यों होता है? सर, जब हमारे पेट में जरासीम चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होता है। सर, जरासीम पेट में कैसे रहते हैं? बेटा, जब हम इफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल ना करें और अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल ना रखें, तो जरासीम हमारे पेट में दाखिल हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। सर, ज़ाती सफाई से क्या मुराद है? बेटा, ज़ाती सफाई से मुराद रोज़ाना नहाना, साबुन से हाथ मुंह धोना, दांत साफ करना, नाक और कान की सफाई करना और नाखून तराशना शामिल है। सर, इसके अलावा अगर हम बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ ना धोएं, तो फिर भी हमारे पेट में जरासीम चले जाते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं। बहुत खूब। लेकिन सर, मैं तो रोजाना हाथ धोता हूँ। बेटा, आप सही तरीके से हाथ नहीं धोते होंगे। सर, हाथ धोने का सही तरीका क्या है? आइए मैं आपको हाथ धोने का सही तरीका बताता हूँ।
अब मैं भी सही तरीके से हाथ धोया करूँगा। वेरी गुड, उम्मीद है हमारे तमाम साथियों को भी हाथ धोने का सही तरीका आ गया होगा। किरण बाजी, अब मुझे पता लग गया है कि साफ सुथरा माहौल सेहतमंद जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। वेरी गुड प्यारे साथियों, बबलू को तो सारी बातें समझ में आ गई हैं। उम्मीद है आपने भी इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। किरण बाजी, अब मुझे भूख लग रही है, मैं जाऊं? हाँ भाई, तुम भी जाओ और अच्छी तरह से हाथ धोकर खाना खाना, और हम भी चलते हैं।